यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और हाई स्कूल इंटर के कई छात्र सरस्वती विद्या मंदिर कन्नौज जो तिरुवा में है यहाँ स्थित है, यहाँ पर कई छात्र यहाँ पर टॉप 10 में आए हैं और एक छात्र ऐसा है यहाँ पर जो हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप 3 में आया था यूपी में और इस बार इंटर की परीक्षा में टॉप 4 में आया है। तो अनिकेत नाम है उस छात्र का, अनिकेत हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये हाई स्कूल इन्होंने टॉप 3 पास किया था तब भी इनका एक इंटरव्यू लिया था और आज इन्होंने इंटर में टॉप 4 में आ जाए हैं। तो अनिकेत कैसी खुशी महसूस हो रही है, पहले हाई स्कूल में आप टॉप 3 में, फिर उसके बाद टॉप 4? जी, मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मैंने यूपी में चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि मैंने प्रयास किया था कि मैं पहला स्थान प्राप्त करूं, परंतु मुझे फिर भी अपने रिजल्ट से संतोष है। ऐसा तो नहीं लगा कि कन्नौज एक छोटा ज़िला है, यहाँ पर जो तो संसाधन है वहाँ पर कम है पढ़ाई के यहाँ पर? जी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हालांकि मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह दिखा दिया है कि कम संसाधनों के होते हुए भी अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने कई अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा कि कामयाबी आप संसाधनों पर निर्भर नहीं करती है, आपकी योग्यता पर निर्भर करती है कि कैसे आप कम संसाधनों का उपयोग करके भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। घर में कौन कौन है आपके? घर में अभी दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं और हम भाई बहन हैं, चाचा चाची। कितने भाई बहन हैं? जी, हम पांच बहनें हैं और चार भाई हैं। पांच बहनें चार भाई हैं, परिवार बड़ा है जी। पिताजी क्या करते हैं? जी, पिताजी लोहे का कार्य करते हैं। अच्छा, लोहे का कार्य करते हैं तो उस सर्वाइव कर लेते हैं खर्चा? जी हाँ, हम अपनी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर लेते हैं। कभी लगा नहीं कि हमें टॉप आने के लिए कोई हमें हायर कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, कहाँ से पैसा आएगा? जी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे? विद्यालय के सभी शिक्षकों को, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और अपने पूरे परिवार को और अपने मित्रों को। अच्छा, कन्नौज में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए कहीं कानपुर जाते हैं, कहीं कोटा जाते हैं और आप तो कन्नौज में रह के, एक तिरुवा छोटा सा कस्बा है यहाँ पर। जी, मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने के लिए कोई बड़ी जगह जाना ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ये है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं और आप कितना पढ़ते हैं। तो आप छोटी सी जगह में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ही करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े शहरों में चले जाते हैं, फिर वहाँ पर भी वो कम पढ़ते हैं, पर्याप्त नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, अब इंटर के बाद क्या करोगे और क्या भविष्य? इंटर के बाद तो मुझे पहले ग्रेजुएशन करनी है, क्योंकि मैं आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। आपके विद्यालय से कितने छात्र हाई स्कूल इंटर में टॉप 10 में आए हैं? आपके विद्यालय में तो 6 छात्र आए हैं और मुझे हाई स्कूल का नहीं पता। अच्छा, हाई स्कूल में कुछ छात्र आए हैं यहाँ पर ना? तो छोटा सा कस्बा है यहाँ पर कन्नौज में, इतने ज़्यादा संसाधन नहीं और छोटा सा विद्यालय भी, और यहाँ पर हर साल बच्चे निकल रहे हैं, तो शिक्षा दीक्षा कैसी है यहाँ की? यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती है, जो कि हमारे देश के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कितनी फीस पड़ती है यहाँ पर? यहाँ पर हाई स्कूल में 1,000 रुपये मासिक पड़ते हैं और इंटर में 1,200 रुपये मासिक। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ लाखों रुपये फीस ली जाती है। जी, मैं ये नहीं कह सकता कि जहाँ पे फीस अच्छी हो वहाँ की एजुकेशन भी अच्छी हो, क्योंकि ये निर्भर करता है, ये तो तभी हम बता सकते हैं जब हम वहाँ खुद पढ़ते हो। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। पैसा आवश्यकता नहीं है उसकी? यस, पैसा ज़रूरी नहीं है शिक्षा के लिए। हाँ, शिक्षा के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, खुद की योग्यता होनी चाहिए। चाचा भी हमारे साथ हैं अनिकेत के यहाँ पर। क्या नाम है आपका भैया? जितेन शर्मा। जितेन, क्या करते हो आप? हम लोहे का काम करते हैं सब। अच्छा जी, परिवार काफ़ी बड़ा है। हाँ, आपके भाई का, आप लोगों का, तो लगता है गुजारा भत्ता हो जाता है आप लोगों के परिवार का? बस चल जाता है, जो मिल जाता है वो हो जाता है। अच्छा, आपका भतीजा जो अनिकेत है ये हाई स्कूल में भी नाम उसने रोशन किया, और क्या हुआ, हाई स्कूल में भी नाम रोशन किया, इंटर में भी उसने नाम रोशन किया है, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, पूरे परिवार को, हमारे पूरे परिवार को नहीं, पूरे खानदान को बहुत अच्छी खुशी लगती है। बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे खानदान में कोई उत्तर कन्नौज जिला में कोई पहली बार। अच्छा, अनिकेत ने कभी ये नहीं महसूस कराया आप लोगों की उसको पैसे की आवश्यकता है, अच्छी एजुकेशन? कभी एक पैसा नहीं मांगा इन्हें, हम जो देंगे इनको वही लेंगे, ये मांगे नहीं अपने मन से, कभी नहीं मांगे हम। अच्छा, जो अनिकेत एक चीज़ और बताओ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ क्या हेल्प ली थी सोशल मीडिया से पढ़ाई की? जी, मैंने बहुत कम ली है, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिवेट रहना पसंद नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो भी समस्याएं आती है पढ़ाई में, वो स्कूल पे ही, स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही मतलब उनका निराकरण कर दिया जाता था। मुकाम हासिल करने के लिए कितनी देर शिक्षा पढ़ाई करते थे आप? डेली 5 से 6 घंटे।
टीवी सीरियल मैच बहुत सारे आजकल लोगों का शौक है, रील्स का आजकल बड़ा शौक चल रहा है युवाओं में। नहीं, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सबसे दूर है तो ये भी एक मानते हैं कि हाँ इन सबसे दूर है तभी यहाँ तक पहुँच पाए? नहीं, मतलब अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता भी है तो उसके साथ वो बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो वो अच्छे मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्या बनना चाहते हो आगे? आगे हम IAS बनके देश की सेवा करना चाहते हैं। तो देखिए, ये हमारे साथ अनिकेत थे जिन्होंने हाई स्कूल में UP में टॉप 3 में आए थे और सरस्वती विद्या मंदिर में उस वक्त भी पढ़ रहे थे, और इंटर में जब इन्होंने टॉप 4 में आए हैं यहाँ पर इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इनका जो कहना है कि आने वाले समय में या आने वाला जो भविष्य है उनका, वो IAS बनना चाहते हैं और IAS बनकर वो देश की सेवा करना चाहते हैं। नित्य मिश्रा, ABP गंगा, कन्नौज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।